हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ब्रिस्टिक चैनल में स्वागत है। आज हम कुछ हिंदी व्याकरण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो कंपटीशन में आते हैं तो वो कौन कौन से हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन किए जाते हैं। हिंदी व्याकरण से ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि बहुत ही सरल हैं, और व्यक्ति पढ़ा नहीं है तो उसकी वजह से वो गलत करके आ जाता है आंसर। इसलिए मैं इस वीडियो में वो डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उसमें और व्यक्ति कहाँ पे गलतियाँ करता है, और उन गलतियों को करने से आप बचें ताकि आप कंपटीशन एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। ठीक, पहला क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है और उसमें ऑप्शन दिए होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा कि मुख्य रूप से क्रिया दो प्रकार की होती है, पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हम पहला क्वेश्चन जान गए कि क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो दूसरा क्वेश्चन आता है क्रिया किसे कहते हैं। ठीक, तो क्रिया जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। किसी भी कार्य के करने या होने का बोध पाया जाए कि कार हो गया या कर रहा है तो क्रिया हो रहा। ठीक, ये सेकंड क्वेश्चन क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। ठीक, क्रिया में खाना, हंसना, रोना, बैठना आदि आ गए। थर्ड, काल कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर, काल तीन प्रकार के होते हैं, एक वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल, जो चल रहा है, जो बीत गया, जो आने वाला है। ठीक, टेंस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। फिर चौथा, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा पांच प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, तो कितने प्रकार की होती है संज्ञा, पांच प्रकार की होती है जो कि निम्न है। ठीक ना, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के छह भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं छह, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो कितने हुए सर्वनाम, छह, छह भेद होते हैं सर्वनाम के। फिर बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, ये एक वाक्य है। एक वाक्य के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरह से हम संज्ञा पहचान सकते हैं या सर्वनाम पहचान सकते हैं, क्रिया पहचान सकते हैं। तो बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा को भी बताइए। ये भाववाचक संज्ञा है क्योंकि इसमें बुढ़ापा एक अभिशाप है, अभिशाप एक भाव है। ठीक, वो कोई पर्टिकुलर थिंग नहीं है, कोई सामान नहीं है जो आप ले सकते हैं, वो एक भाव है, इसलिए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक, जो संज्ञा हमने बताई है, ठीक, ये देखिए संज्ञा भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से हम सर्वनाम वगैरह सभी देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हों और आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियोज में हम और क्वेश्चंस लाएंगे। और अगर आपने हमारे इस वीडियो को पहली बार देखा है, हमारे चैनल पहली बार आए हैं, तो आपका स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन बार बार मिलते रहे। ठीक, और लाइक शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी सीखने में मदद मिले। और लाइक इसलिए करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट